आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है BEING का यूज, हाउ टू यूज बीइंग, BEING। आपने आपको मैं बी समझा चुका हूं, हाउ टू यूज बी। आज मैं समझाऊंगा बीइंग और इसके बाद समझाऊंगा बीइंग का यूज। बीइंग का पहले हमें अर्थ भी पता हो, बीइंग का अर्थ क्या होता है, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप सभी जानते हैं बी माने होना, टू बी माने भी होना, और बीइंग माने भी होना होता है, लेकिन बीइंग के इसके अलावा भी और अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है बीइंग का जीवधारी या सजीव प्राणी, जीवधारी या सजीव प्राणी। आई सॉ ए फिल्म ऑफ स्ट्रेंज बीइंग्स, मैंने अजीब प्राणियों की एक फिल्म देखी। आई सॉ ए फिल्म ऑफ स्ट्रेंज बीइंग्स, मैंने अजीब प्राणियों की एक फिल्म देखी। दूसरा अर्थ हस्ती, पूरी ताकत से, हस्ती से। आई हेट वायलेंस, मुझे हिंसा से नफरत है। वायलेंस माने हिंसा, नॉन वायलेंस माने अहिंसा, हिंसा करना यानी किसी को मारना, और नॉन वायलेंस किसी को नहीं मारना, किसी का दिल भी नहीं दुखाना। आई हेट वायलेंस, मुझे हिंसा से नफरत है। विद माई होल बींग, पूरी उससे यानी पूरी ताकत से मैं इसका विरोध करता हूं, मुझे नफरत है। हस्ती, बींग माने हस्ती भी होता है, इसका मैंने सेंटेंस भी बता दिया। अस्तित्व, इसका अर्थ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व भी होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर बींग्स, मानव होने का, हमारे मानव होने का आखिर क्या उद्देश्य है, पर्पज क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर बींग, हमारे होने का, संसार में होने का, हमारी एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का आखिर पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। ए न्यू एरा वाज ब्रॉट इनटू बीइंग बाय द वार, युद्ध के बाद, युद्ध के द्वारा। ए न्यू एरा, एक नया युग, एरा माने युग। ए न्यू एरा वाज ब्रॉट इनटू बीइंग, अस्तित्व में आया एक नया युग, एक नया युग अस्तित्व में आया युद्ध के बाद, युद्ध के द्वारा, बाय द वार, युद्ध के द्वारा एक नया ही युग आया अस्तित्व में। अब तीसरा देखें, आजकल बहुत प्रसिद्ध पार्टी है आप पार्टी, आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी केम इनटू बीइंग 2 years ago या 3 years ago या 4 years ago, मुझे सही समय तो नहीं पता। आप पार्टी, आप केम इनटू बीइंग 2 years ago, 2 साल पहले ये अस्तित्व में आई, ये पार्टी आम आदमी पार्टी केम इनटू बीइंग 2 years back, 2 साल पहले ये अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी। अब देखें, ये तो इसके अस्तित्व के कई सेंटेंस भी बन गए, 3-3 सेंटेंस बन गए। अब मैं बताता हूं, अगर बीइंग में सुप्रीम लगा दिया जाए पहले, द सुप्रीम बीइंग, तो उसका अर्थ भगवान हो जाता है, प्रभु हो जाता है। द सुप्रीम बीइंग, गॉड इज द सुप्रीम बीइंग, भगवान सुप्रीम बीइंग है, अर्थात परम पिता परमेश्वर है, सुप्रीम है वो। हम बीइंग्स हैं, सारे सजीव प्राणी बीइंग्स कहलाते हैं, भगवान सुप्रीम बीइंग है, यानी इनसे ऊपर, बहुत ऊपर। पैसिव वॉइस, लेकिन पैसिव वॉइस को लेने से पहले मैं इसके और अर्थ बता दूं, जैसे किसी और शब्दों के साथ जोड़ करके ये कैसे बन गए। वेल बीइंग, वेल बीइंग माने खुशहाली, तंदुरुस्ती। वेल बीइंग, WELL BEING, वेल बीइंग, तंदुरुस्ती या खुशहाली। माई फादर केयर्स ए लॉट फॉर माई वेल बीइंग,
मेरे पिता मेरी खुशहाली के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए बहुत मेरी परवाह करते हैं। माई फादर, मेरे पिताजी, मेरे पिता केयर्स ए लॉट फॉर माई वेल बींग, मेरी खुशहाली के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए बहुत परवाह करते हैं। फॉर द टाइम बींग, मैंने विस्तार में लिया है इस बींग को, फॉर द टाइम बींग, फॉर द टाइम बींग का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। यू कैन लीव योर सूटकेस हियर फॉर द टाइम बींग, यहां फॉर द टाइम बींग मैंने नहीं लिखा है शब्द लाइन में, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, यू कैन लीव योर पर्स हियर फॉर द टाइम बींग, आप अपना पर्स यहां छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए मेरी निगरानी में। यू कैन लीव योर सूटकेस, आप अपना सूटकेस यहां छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, फॉर द टाइम बींग, थोड़े समय के लिए। यू कैन लीव योर सूटकेस हियर फॉर द टाइम बींग, थोड़े समय के लिए आप सूटकेस को यहां छोड़ सकते हैं मेरे पास। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स माने होता है मानव, ह्यूमन बींग, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम मानव हैं। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन आर ह्यूमन बींग्स, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन आर ह्यूमन बींग्स, अर्थात हम सब आदमी, स्त्रियां और बच्चे, बच्चे सभी के सब मानव हैं, मानव। अब देखें क्या है इसके बाद यूज बींग का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज होगा। बींग प्लस एडजेक्टिव, इसके साथ एडजेक्टिव जोड़ा जाए अगर तो इसका यूज होता है। जैसे जब हम किसी के कार्य यानी एक्शन और बिहेवियर यानी व्यवहार की बात करें तब इसका यूज होता है। जैसे Why are you being so foolish? तुम इतना मूर्खता का कार्य क्यों कर रहे हो? इसमें एक बात का और ध्यान रखा जाए, वो आदमी हमेशा का मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, वो उसी समय ऐसी हरकत कर रहा है जब मुझसे ये बात कह रहे हैं। Why are you being so foolish? तुम कितने क्यों मूर्ख क्यों बन रहे हो भाई, इतना मूर्ख क्यों हो रहे हो? होना इसका अर्थ है यहाँ पर He is being foolish, वो मूर्ख हो रहा है, या ही इज बींग इडियट, ही इज बींग सिली, SILLY, सिली का भी यही अर्थ है, मूर्ख। हर समय पागलपन नहीं दिखाना, लेकिन जिस समय कहा जा रहा है उस समय दिखाना, तब इसका यूज होगा, ही इज बींग फुलिश, वह मूर्ख हो रहा है। अब देखें अगला, होना बींग, बींग ए टीचर इज डिफिकल्ट, बींग ए टीचर अर्थ है होना, बींग ए टीचर इज डिफिकल्ट, अर्थात टीचर होना यानी पढ़ाना एक कठिन काम है, यहां पर इसका अर्थ ये बैठता है, बींग टीचर इज डिफिकल्ट, पढ़ाना एक कठिन काम है। अब देखें यहां पर तो इसका पढ़ाना, बींग ए टीचर पढ़ाना कार्य हो गया, बींग ए टीचर यानी अध्यापक होना एक काफी कठिन काम है। बींग लेट, अगला प्रयोग देखें, के कारण इसका अर्थ बैठता है, के कारण, बींग लेट, आई कुड नॉट अटेंड द मैरिज, देर हो गई मुझे, देर होने के कारण मैं शादी अटेंड नहीं कर पाया, शादी में नहीं जा पाया। बींग लेट, LATE, लेट, आई कुड नॉट अटेंड द मैरिज, मैं शादी अटेंड नहीं कर पाया लेट होने के कारण। तो यहां बींग का यूज शुरू में है, बींग का यूज यहां भी शुरू में है, अंतर देख लें, अंतर है, यहां पर पढ़ाना है अर्थ और यहां पर है के कारण। अब देखें बींग का क्योंकि का यूज, क्योंकि बींग ए हाउस ओनर, बींग ए लैंडलॉर्ड, बींग ए हाउस ओनर, हाउस ओनर का अर्थ होता है मकान मालिक, बींग ए हाउस ओनर मकान मालिक होने के, क्योंकि मैं मकान मालिक हूं, बींग ए हाउस ओनर क्योंकि मैं मकान मालिक हूं, आई हैव द राइट टू सेल इट, मुझे पूरा अधिकार है इसे बेचने का,
मुझे पूरा अधिकार है इसे बेचने का, क्योंकि मैं मकान मालिक हूं। तो यहां बीइंग का अर्थ होता है क्योंकि। अब और देखें, अब देखें यदि पार्टिसिपल में किए गए कार्य का संबंध, अब देखें आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा पाया, इसका सब्जेक्ट देखें स्पेशली, सब्जेक्ट है मैं और प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका, तो इसका सब्जेक्ट है आई यानी मैं बाहर नहीं जा सका। अब देखें बीइंग वेरी हॉट, गर्म होने के कारण, गर्म होने के कारण, दिन तो गर्म है, दिन गर्म होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका, तो इसका सब्जेक्ट जो है, ऐसे में जब ये चीज अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट इसका जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अलग है, तो दिन के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा मैं नहीं जा सका, तो क्या होगा, ऐसी में इट का प्रयोग जरूर होता है, सेंटेंस अशुद्ध माना जाएगा। इट बीइंग वेरी हॉट, ये होगा सही, केवल बीइंग नहीं आएगा, इट बीइंग वेरी हॉट आई कुड नॉट गो आउट। तो इस तरीके से यहां पर मैंने यही बता दिया कि इट क्यों लगेगा, बीइंग क्यों अशुद्ध है अकेला। बीइंग टायर्ड ऑफ, इस पैसिव में देखिए इस सेंटेंस को, पैसिव में बीइंग टायर्ड ऑफ हिज वर्क, काम से थका हुआ, थक कर, बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क, काम से थका होने के कारण, ही स्लेप्ट, वो सो गया। तो आप देख रहे हैं ये पैसिव में बीइंग टायर्ड, सोने के कारण, ऑफ हिज वर्क, थकने के कारण वो सो गया। देखिए अब पैसिव वाइस जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की या पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वाइस बनाते हैं तब भी बीइंग का यूज होगा पार्टिसिपल से पहले, पास्ट पार्टिसिपल से पहले बीइंग का यूज होगा। कैसे होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मान लिया ये है सेंटेंस आई एम ईटिंग फूड, ये है दा नहीं लगा रहे, आई एम ईटिंग फूड, फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, इस प्रकार के सेंटेंस जब बनते हैं पैसिव में, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, इसके सेंटेंस जब पैसिव में बनते हैं तब पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है बीइंग के साथ। फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, इसकी हिंदी जरूर समझ लें, दोनों में रहा है आएगा, एक्टिव में भी पैसिव में भी, रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाक्य के अंत में दोनों शब्द एक्टिव में भी आते हैं एक से और पैसिव में भी आते हैं। फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है, दोनों में रहा है आ रहा, फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। तो ध्यान रहे बीइंग शब्द का प्रयोग हुए बगैर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस पैसिव में नहीं बन सकते। अब पास्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसा ही होता है, ये दोनों टेंस हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आई एम, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे समझ लें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट पास्ट कंटिन्यूअस में है, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तब कैसे बनेगा, तो एक वचन के साथ, क्योंकि क्रिकेट एक वचन है तो वाज आएगा, ऐसे ही इसमें फूड एक वचन है तो इज आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में इसमें वाज आएगा। यदि ये प्लूरल होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता इसका, तो क्या आता, वर, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेली जा रही थी। क्रिकेट उसके द्वारा खेली जा रही थी, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो आप ये देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब पैसिव बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे, तो इसमें जानकारी के लिए एक खास बात और बता दूं, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वाइस बनता ही नहीं है,
कैसी लगी ये मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।